सो हे गाइस, थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। नहीं, आज के इस वीडियो में हम लोग एक लीड एसिड बैटरी को लिथियम आयन बैटरी में कन्वर्ट करने वाले। लिथियम आयन बैटरी का क्या फायदा होता है? लिथियम आयन बैटरी कम समय में जल्दी चार्ज होता है, प्लस काफ़ी अच्छा बैकअप देता है एज कम्पेयर टू आपके लीड एसिड बैटरी, और काफ़ी सालों तक चलता है। 5 साल का तो आपको टेंशन ही नहीं। सो अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो आप बड़े ही आराम से 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट कितने ही एएच का बैटरी पैक बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और कैसे आप इस बैटरी पैक को कम प्राइस में बना सकते हो, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैटरी पैक बनाने से पहले आप लोगों को ये डिसाइड कर लेना कि आपको कितने एमएच का और कितने वोल्टेज का बैटरी पैक बनाना है। जैसे कि आपको बैटरी पैक बनाना है 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का या 48 वोल्ट का, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितने वोल्ट और कितने एमएच का बैटरी पैक बनाना है। सो आप लोग पहले अपनी नीड जान जाइए कि आपको कितने एमएच और कितने वोल्टेज का बैटरी पैक बनाना है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी कई एम्पियर रेंज में आती है। जैसे ये देखिए, यह है 1200 एमएच, ये देखिए यह है 2000 एमएच, और यह देखिए यह है 2200 एमएच और 2600 एमएच और 3000 एमएच में भी आती है बैटरी। किसी भी बैटरी की पावर को मेजर करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक वोल्ट और एक एम्पियर। जैसे देखिए, यह जो बैटरी है 3.7 वोल्ट 1200 एमएच की है, और यह बैटरी देखिए, यह बैटरी 3.7 वोल्ट 2200 एमएच की है। 2200 एमएच यानी कि यह 2.2 एम्पियर की है, और जो 1200 एमएच थी यानी कि वह 1.2 एम्पियर की है। और ऐसे ही जो हमें लीड एसिड बैटरी देखने को मिलती है वह होती है 12 वोल्ट 7 एम्पियर की। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट 7 एएच। किसी भी बैटरी को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, पैरेलल और सीरीज। आइए अब जानते हैं कि पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस है। पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और नेगेटिव टर्मिनल भी कुछ इसी तरह से होता है कि एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, हम लोग इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, यह है सीरीज कनेक्शन, ये रहा हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर 7.65 वोल्ट शो हो रहा है, और ये रहा हमारा पैरेलल कनेक्शन। अरे ये क्या, यहां पर तो 3.8 वोल्ट शो हो रहा है, यहां पर तो 7 वोल्ट शो हो रहा है। सो यही डिफरेंस होता है, जब हम बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, और जब हम बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एमएएच इंक्रीज हो जाता है, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं बैकअप इंक्रीज हो जाता है। इस बैटरी का 2200 एमएच, इस बैटरी का 2200 एमएच हो गया 4400 एमएएच, लेकिन इस बैटरी में वोल्टेज इंक्रीज हुआ है, एमएएच इंक्रीज नहीं हुआ है। इस बैटरी का एमएएच उतना ही रहेगा जितना कि एक बैटरी का, यानी कि 2200 एमएएच, यानी कि यह 2.2 एम्पीयर का ही करंट आउटपुट में दे पाएगा, लेकिन वोल्टेज जो रहेगा वह 7 वोल्ट रहेगा। सो आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा कि बैटरी को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है। सो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करने से यहाँ पर 7 वोल्ट हो गया था। अब मैं एक और बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि यह हमारा सीरीज बैटरी 12 वोल्ट का हो जाएगा। मैंने मैग्नेट की हेल्प से इन बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। कैमरे को जूम आउट कर देता हूं मैं। अब मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि यह कितना वोल्ट आउटपुट में दे रहा है। सो एज यू कैन सी कि यह आउटपुट में हमें दे रहा है 11.67 वोल्ट, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट आप कह सकते हैं कि यह आउटपुट में दे रहा है। सो हम लोग ने बैटरी को सीरीज में जोड़ दिया और 12 वोल्ट आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन जो एम्पियर है वह सेम है जितना कि एक बैटरी का है, यानी कि 2.2 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सीरीज को पैरेलल में जोड़ देंगे, इससे क्या होगा, हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन जो एम्पियर है वह इंक्रीज हो जाएगा। 2.2 एम्पियर इस सीरीज के, 2.2 इस सीरीज के, 2.2 इस सीरीज के, और 2.2 इस सीरीज के। अब जो हमारा बैटरी पैक बना है वह 12 वोल्ट 8.8 एएच का बना है। सो मैं तो बनाना चाहूँ तो 15 एएच का, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करूँगा 7। 2200 एमएच का हमारा एक सेल है, और इसी तरह के हम लोगों को 7 पैक कनेक्ट करने पड़ेगा, जिससे कि हमारा बैटरी पैक बनेगा 15 एएच का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो लिथियम आयन सेल्स को मैं अब की बार हॉट गन ग्लू से चिपका रहा हूँ। आप लोग बैटरी स्पेसर का यूज़ करेगा, काफ़ी सही रहता है। मैं ज़्यादा सेल का यूज़ करूँ जिस कारण की जगह नहीं बच रहा है मेरे बैटरी वाले बॉक्स में। सो यहाँ पर मैंने हॉट गन ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरह से चिपका दिया,
अब इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। मैं आपको फटाफट से यह भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए कुछ मैं इस तरह के निकल स्ट्रिप का यूज़ करूँ, मेरे पास स्पॉट वेल्डिंग अवेलेबल नहीं है, सो इसी निकल स्ट्रिप को मैं इन बैटरियों पर सोल्ड करूँगा। और सोल्डरिंग करने से पहले सभी बैटरियों पर ब्लेड की हेल्प से स्क्रैच कर लेना, जिससे कि सोल्डरिंग काफ़ी मजबूत होगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में टेप लगा लेना, जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी बैटरी का सीरीज कनेक्शन हो चुका है। फर्स्ट वाले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है एंड सेकंड वाले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को पहले वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, तब आगे वाले प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम मल्टीमीटर में 11.6 वोल्ट शो हो रहा है, यानी कि हमारा सीरीज कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब मैं इसी तरह से और 7 बैटरी पैक बनाऊंगा। सो जब तक मैं बैटरी पैक को चिपका रहा हूँ, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से आप इस बैटरी पैक को कम प्राइस पर बना सकते हो। तो लैपटॉप का बैटरी तो आपको पता ही होता है कि आपको कम प्राइस में लैपटॉप रिपेयरिंग के शॉप में 50 रुपये में मिल जाएंगे। आप वो दो पीस ले सकते हो, 100 रुपये का BMS आएगा, 100 रुपये 110 रुपये का BMS आएगा, आपको 300 रुपये में बैटरी पैक बनकर रेडी हो जाएगा। बट दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ये तरीका यूज़ कर सकते हो अगर आपको 6 महीना 1 साल बैटरी यूज़ करना है। तो अगर आपको ऐसा बैटरी पैक बनाना है जो कि 5 साल तक चले, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि न्यू लिथियम आयन बैटरी परचेज करें। H&N Cart एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से कि आप बहुत ही कम प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑर्डर कर सकते हो। इन्हीं की वेबसाइट से आप हाई क्वालिटी लिथियम आयन बैटरी ऑर्डर कर सकते हो और BMS भी ऑर्डर कर सकते हो। एक कूपन कोड मिल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसको अप्लाई करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। सो अगर आप सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स परचेज करना चाहते हो, तो ये वेबसाइट को जरूर से चेकआउट करना। और हाँ, कूपन कोड को अप्लाई करना मत भूलना इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बैटरी को हम लोग ने हॉट गन ग्लू से चिपका दिया और चिपकाने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पर हम लोग सभी बैटरी को स्क्रैच कर लेंगे, फिर उसके बाद टेप चिपकाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सोल्डरिंग करेंगे सीरीज कनेक्शन करके, जिस तरह कि मैंने इस वाले बैटरी का सीरीज में कनेक्शन किया है। इसका प्लस माइनस इससे 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 ऐसे ऐसे इसे सीरीज कनेक्शन कर लेंगे, फिर इस बैक साइड से हम लोग इधर से सीरीज कनेक्शन कर लेंगे, फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर वन बाय वन में सभी बैटरियों को स्क्रैच कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सभी बैटरियों का सीरीज कनेक्शन कर दिया है। अब इन सीरीज कनेक्शन का हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे। सो एज यू कैन सी कि हम लोग ने सभी बैटरियों का सीरीज कनेक्शन किया सबसे पहले, फिर उसके बाद पैरेलल कनेक्शन किया। अब यही प्रोसेस हम लोग पीछे वाले साइड से भी करेंगे और देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से सोल्डरिंग किया, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। और यही प्रोसेस को हम लोग वापस से रिपीट करेंगे बैक साइड में, और वो प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, खामखा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको सोल्डरिंग कंप्लीट करके दिखाता हूँ। 2000 years later. So finally guys, मैंने सोल्डरिंग कंप्लीट कर लिया 2000 साल बाद। जस्ट एक जोक था। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मैंने सोल्डरिंग किया। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, आप लोग अब बड़े आराम से बैटरी पैक बना पाओगे। सो यहाँ पर हमारा बैटरी पैक तो बनकर रेडी है, लेकिन अब हम लोगों को इसमें BMS कनेक्ट करना है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS का काम क्या होता है कि यह बैलेंस तरीके से सभी सेल को चार्ज करेगा एंड सभी सेल को ओवर चार्जिंग से बचाएगा एंड ओवर डिस्चार्जिंग से बचाएगा। अगर आप बैटरी पैक बना रहे हो लिथियम आयन का, तो मेक श्योर कि आप लोग BMS का जरूर से यूज करें। 20 एम्पीयर 30 एम्पीयर, मैं यहाँ पर 20 एम्पीयर का यूज करूंगा। और अब मैं आपको इसकी वायरिंग बताऊंगा कि किस तरह से BMS की वायरिंग करते हैं। तो हमें BMS में 4 पॉइंट देखने को मिल जाता है। हमारा पहला पॉइंट है B-0 वोल्ट, सेकेंड पॉइंट है हमारा B1 जहाँ पर कि 4.2 वोल्ट कनेक्ट होगा, B2 8.4 वोल्ट के लिए, B+ 12 वोल्ट के लिए है, ठीक है। और ये जो दो टर्मिनल है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए है। सो आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह से बैटरी को कनेक्ट करना है BMS में। सो जो ये B0 वोल्ट है, यहाँ पर हम लोगों का पहला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, और जो BMS में B1 4.2 वोल्ट लेकर है, यहाँ पर पहला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। और यहाँ पर B2 लिखा है टॉप साइड लेफ्ट, यहाँ पर बैटरी नंबर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा।
और जहां पर बी प्लस लिखा है यहां पर बैटरी नंबर 3 का पॉजिटिव टर्मिनल बीएमएस में कनेक्ट होगा। तो सो देखा आपने कितना इजी था बीएमएस की वायरिंग करना। आइए अब प्रैक्टिकल के द्वारा भी हम लोग जान लेते कि किस तरह से बीएमएस की वायरिंग करते हैं। यहां पर मैं 20 एंपियर का बीएमएस यूज कर रहा हूं जैसे कि मैंने आपको बताया, और सभी बीएमएस में आपको वोल्टेज लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। चार अलग तरीके के वायर यूज करो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारा ब्लैक वायर है 0 वोल्ट यानी कि कह सकते हैं माइनस के लिए, येलो वायर हमारा 4.2 वोल्ट के लिए, एंड ब्लू वाला वायर हमारा 8.4 वोल्ट के लिए, एंड रेड वाला वायर हमारा 12 वोल्ट के लिए है। सो बीएमएस में हम लोग ने तो वायर कनेक्ट कर लिया, अब इस बीएमएस को हम लोग बैटरी पैक में कनेक्ट कर लेंगे। सो ब्लैक वाला वायर हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे, एंड जस्ट उसी के अपोजिट साइड हम लोग येल्लो वाला वायर को कनेक्ट कर लेंगे। फिर से हम लोग एक बार बैटरी को बैक साइड करेंगे और ब्लू वाला वायर यानी कि 8.4 वोल्ट वाला वायर हम लोग सोल्ड कर लेंगे। अब हमारा लास्ट वायर रेड वाला, इसे पॉजिटिव टर्मिनल पर सोल्ड कर लेंगे। देखा कितना आसान था बीएमएस की वायरिंग करना। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वन बाय वन वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं। देख सकते हैं कि येलो वायर में 3. आ रहा था वोल्ट, ब्लू वाले वायर में 7 आ रहा है, रेड वाले वायर में 11.8 वोल्ट आ रहा है। सो इसका मतलब हम लोगों का बीएमएस का वायरिंग अच्छे तरीके से हो गया है। सो बीएमएस को डबल साइडेड टेप का यूज करके चिपका दूंगा, फिर इसके बगल साइड में हॉट गन ग्लू भी डालूंगा। इसके ऊपर हॉट गन ग्लू मत डालना या फेविक्विक मत डालना, नहीं तो बीएमएस खराब हो जाएगा। और आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर अलग से वायर सोल्ड कर दे रहा हूँ। और लास्ट पर मैं आप लोगों को अब वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। एज यू कैन सी कि 11.7 वोल्ट आ रहा है। सो यहाँ पर हमारा बैटरी पैक तो बंद कर रेडी, लेकिन उसके लिए कोई कपड़ा भी तो चाहिए, मतलब बॉडी तो चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैं पुराना लीड एसिड बैटरी को कट कर रहा हूँ, और इसके अंदर का माल मसाला क्या सेल्स निकालूंगा और इसको एज ए बॉडी यूज़ करूंगा, और काफ़ी मजबूत बॉडी रहेगा हम लोगों का फिर तो, और बैटरी पैक में कोई कमी नहीं रहेगी। और सबसे लंबा प्रोसेस था वैसे इसे बैटरी को कट करना, इसके अंदर के सेल्स को निकालना। सेल्स तो आराम से निकल गए थे, लेकिन इसके अंदर जो प्लास्टिक थे मजबूत ना, उसको काटने में टाइम लगे थोड़ा। सो काफ़ी समय बाद हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इस बैटरी को काट कूट के हम लोग ने इसके अंदर का माल मसाला निकाल कर फेंक दिया। सो जो हम लोग ने बैटरी का ऑपरेशन किया था, काट के इसके अंदर के सेल्स को निकाला था, ये रहा हमारा वो खाली डब्बा। अब इसमें हम लोग वायर को सोल्ड कर लेंगे। मेक श्योर कि आप लोग बैटरी के टर्मिनल्स देख कर सोल्ड करें कि प्लस प्लस से ही कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ही कनेक्ट हो रहा है। इसके नीचे मैं थोड़ा कार्डबोर्ड यूज़ करूँगा, और आप लोगों को इस बैटरी पैक को अंदर डाल देना, और अगल बगल में थर्माकोल का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये बैटरी में जो स्पेस है वो स्पेस ना रहे। और मैं इस प्रोसेस को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप अब इस प्रोसेस को तो बड़े आराम से कर लोगे। फेविक्विक से जस्ट चिपकाना, और जहां जहां ज़्यादा गैप था वहां पर मैंने एमसील का यूज़ किया, एमसील लगा कर चिपका दिया और एकदम मजबूत हो गया। अब बैटरी फेंकने के बाद भी टूटेगा नहीं। सो गाइस ये रहा हमारा बैटरी पैक, आप देख पा रहे होगे कि नीट एंड क्लीन एकदम परफेक्ट बन गया है। मैंने काला कलर का टेप लगा दिया जिससे कि एकदम और अच्छा लग रहा है। स्प्रे पेंट नहीं तो मैं स्प्रे पेंट भी कर देता, और वेट काफ़ी हल्का हो चुका है। अब मैं आपको एक बार लास्ट बार इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। सो 11.98 वोल्ट चार्ज है, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट चार्ज है। मैंने बैटरी को चार्ज पे नहीं लगाया, फुल चार्ज पे ये शो करना चाहिए 13 वोल्ट तक। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सभी सेल्स को एक बार फुल चार्ज कर लेना 4 वोल्ट तक, 380 भी रहेगा तो भी चलेगा। सो आउटपुट में मैं आपको एक LED कनेक्ट करके दिखाता हूँ, जला कर दिखाता हूँ। पैरेलर में लगाए हुए 4 LED देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट जल रहा है। अब मैं फटाफट से आपको दूसरा LED कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट का एक LED ले लिया है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट जल रहा है। मैं एक बार सेटअप का लाइट बंद करके जला के दिखाता हूँ, ये 12 वोल्ट से चल रहा है, ठीक है। अब मैं लास्ट आपको एम्पलीफायर कनेक्ट करके दिखाता हूँ, और उसमें वोल्ट मीटर भी ऐड करूँगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना करंट ये आउटपुट में दे रहा है।
सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने स्पीकर सेटअप कर दिया। यहाँ पर मैं वूजी का एम्पलीफायर यूज कर रहा हूँ, 100 वॉट का एक सबवूफर है एंड 50-50 वॉट के दो स्पीकर है एंड आउटपुट में मैंने वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। इसके लिए अलग से मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ और मैंने वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर दिया। बस मुझे ये नेगेटिव वाला टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करना है, तब हमारा एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। मैं फटाफट से इस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने स्मार्टफोन से, फिर आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एंड अभी एक सॉन्ग प्ले करते हैं। सो सॉरी, ये ऑडियो इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जो हाईएस्ट एम्पियर गया था इस वोल्ट मीटर में वह 3 एम्पियर था। मैं आपको उसका इमेज शो कर दूंगा। एक और वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने डिवाइन का सॉन्ग प्ले किया, उसमें काफी हाई बेस है, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक स्क्रीन पर कोड दिख रहा होगा, उसे कमेंट जरूर से करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।